सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब हम बात करते हैं, बल्कि आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले मैं कहूंगी कि रमजानों में हमने इतनी फ्रूट चाट खाई है कि हमने बेहद एंजॉय किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको मिलवाऊं। आज मैं और पहियों आपको मिलवा रहे हैं, मतलब स्टूडियो में मौजूद हैं, फलों से। हम आपको फलों से मिलवाते हैं, और ये पाकिस्तान के वो फल हैं जो सबर के फल भी है, और इसी वजह से जो है ये मिसाल। लेकिन मैं पहले बताऊं आपको, इन फलों ने जो है वो दो साल से वो ग्लोबल कंटेंट अवार्ड जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं, क्या जीत रहे हैं, इस पे हमने पैकेज तैयार किया। पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं, फिर मजीद बात करते हैं। इंतजार कीजिए, आपसे रابطہ जल्द होगा। पैकेज बहुत खूब जी, जबरदस्त, बहुत ही आला टॉपिक, और जिस टॉपिक को हमेशा विक्टिमाइज किया जाता है, एज अ विक्टिम सिंपथीज के जरिए बयान किया जाता है, उस कंडीशन को यहाँ पर एक बहुत ही खूब अंदाज से जो है वो फिल्माया है मोइज ने। सो थैंक यू सो मच मोइज फॉर दिस ट्रीट। वेलकम कहते हैं आपको। बिल्कुल, मोइज अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, फिल्म के डायरेक्टर, और हमारे साथ मौजूद हैं फवाद जलाल, एक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, और तंजीला भी हमें ज्वाइन करेंगी कुछ ही देर में। डेफिनेटली जी जी। तो मोइज, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ये जो आपने एक दिन में इस फिल्म को कंप्लीट किया है, तो आपके जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो ये काम हो रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जा रहा है, तो मैं आपकी इस मूवी की डिटेल से पहले जो है वो ये एक दिन की शूट कंप्लीट करने वाला सीन है, मैं इस पर थोड़ी सी आपकी जो है वो राय जानना चाहूँगा कि इसे किस तरह से आपने क्या कैप्सूल, इसकी कैपिंग कैसे की है, बजटिंग किस तरह से की है, और क्या कैसे ये पॉसिबल हुआ? अच्छा, हुआ ऐसे कि इसको हम प्लान काफ़ी टाइम से कर रहे थे, कोई 8-9 महीने से। कभी तंजिला का स्केड्यूल मैच नहीं हो पा रहा था, कभी मेरा स्केड्यूल मैच नहीं हो पा रहा था। इट वॉज 30th December और 31st December जो हमने ये प्लान किया कि हमने नेक्स्ट डे शूट करना है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन। हाँ, तो मैंने बोला कि मैं तो रात में पार्टी कर रहा हूँ, मैं तो सुबह शूट नहीं कर पाऊंगा, तो क्या करना है? आई वाज इन इस्लामाबाद। तंजिला ने बोला कि पार्टी तो पूरी जिंदगी करते रहेंगे, लेकिन अभी आप सुबह आके ये शूट करना है, और हमने सब कुछ लाइनअप किया हुआ है। फवाद के पास आगे डेट नहीं है, आपने अभी ही इसको शूट करना पड़ेगा। मैंने बोला अच्छा, मैं उनसे एक बार बात करके देखता हूँ कि हम इसको सेकंड थर्ड पे कर सकते हैं। तो फवाद भाई ने बताया कि नहीं, इसको हमने फर्स्ट को ही करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि अच्छा ओके। मैं इस्लामाबाद में था, आई वाज शूटिंग अ मूवी, अ फिल्म, फीचर फिल्म देयर, जो कि अभी आनी है इंशाल्लाह। तो उसके बाद मैंने रात में ही ट्रैवल किया, मैं रात में पहुंचा वहां पे। हमने रात में जो दूसरी कास्ट थे उसके ऑडिशन किए, हमने लोगों से कॉन्टैक्ट किया हुआ था कि हमने करना है। सुबह में हमने लोकेशन जो है वो स्कॉट की, ये लोकेशन है, और हमने उसको जो है वो शूट कर लिया। इस तरह से हुआ, हैट्रिक था। मैं इसको 2 दिन में करना चाहता था, बिकॉज हमारे पास बजट जो है वो बहुत लिमिटेड था, हम खुद ही इसको प्रोड्यूस कर रहे थे, तो हमने वो भी जो है ज़रा मैनेज करके चलना था। डिफिकल्टीज हुई, लेकिन बहुत मज़ा आया करने में। ब्लैक कॉफी ने बजट आउट कर दिया होगा। अच्छा, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर। आपने इस मूवी का नाम, क्योंकि जैसे एक जिस तरह से हमने देखा है कि ये टॉपिक ज़्यादा डार्क उस पर चूज़ किया जाता है, जब बहुत सैडली उस पर दिखाते हैं, पिटी वे में दिखाते हैं, एक तो आपने इसको कॉमेडी वे में रखा, लेकिन इसका नाम फ्रूट चाट क्यों रखा? अच्छा देखिए, फ्रूट चाट रखने की वजह ये थी कि इसके अंदर जो सारे फ्लेवर्स हैं ना, जो इसके अंदर ज़िंदगी है, ये उससे निकाल के हमने इसका नाम फ्रूट चाट रखा, ताकि जब लोग ये पढ़ें कि अच्छा ये तो किसी माजूर शख्सियत के ऊपर फिल्म है और फ्रूट चाट नाम है, तो वो जरा यहाँ पे कहीं रुकेगा कि इसमें क्या है। फवाद, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने इस मूवी में सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने स्टोरी सुन के हाँ कहा कॉन्सेप्ट की वजह, या आप बस काम करना चाह रहे थे, भैया जो पैसे बनाओ? अच्छा, आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट हियर, मैंने मोइज़ की वजह से हाँ कहा था, बिकॉज मैंने एक प्रोजेक्ट पहले मोइज़ के साथ किया था, ये उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर था। अच्छा। तो मुझे जब इनिशियली पिच किया गया तो मुझे नहीं समझ में आया, और मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे तब तक ये नहीं पता था कि मोइज़ इज़ डायरेक्टिंग इट। मुझे तंजीला ने और एक और क्या कहते हैं, देयर इज दिस पीआर मैनेजर अनिका, उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था। फिर मुझे मोइज़ की कॉल आई, मैंने कहा अच्छा तू कर रहा है, जब ये एज एन असिस्टेंट आया था, तो मैं क्या कहते हैं, एक प्रोजेक्ट पूरा इसके साथ 1.5 साल गुजारा, उससे पहले इसके मामू हैं डायरेक्टर सैयद रामेश रिजवी, उनके साथ एक मैंने सीरियल किया हुआ था। मैंने कहा चल यार, अब ड्रामा सीरियल्स की तरह फीचर फिल्म्स की तरफ जाते हैं, तो ये शॉर्ट फिल्म करना अवॉइड करते, क्या आपका भी एक वजह थी, या फिर मोइज़ की वजह से? चलो यार, मैं आपको एक बात बताऊं, होली एंड सोली वजह सिर्फ ये थी कि मोइज़ डायरेक्ट कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं, दैट्स व्हाई आई डिड इट। और दूसरा, अच्छा मैं आपको बताता हूँ सीन क्या होता है। सीन ये होता है कि हमारे यहाँ
इस वक्त एट द मोमेंट ना ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ना ही सिनेमा इतना बड़ा मीडियम है जितना बड़ा कि हमारा टेलीविजन है. टेलीविजन इज द बिगेस्ट मीडियम. टेलीविजन के स्टार्स आर द बिगेस्ट स्टार्स इन आवर कंट्री एट द मोमेंट. शॉर्ट फिल्म्स का ये होता है कि शॉर्ट फिल्म्स आप कई दफ़ा इसलिए भी करते हैं कि अगर वो क्लिक हो तो वो बहुत मैसिव लेवल पे क्लिक होती है. अगर क्लिक ना हो तो फिर देखी भी नहीं जाती, पता भी नहीं चलता कि कोई शॉर्ट फिल्म आई थी. उसमें कोई बीच में कोई वो क्या कहते हैं आप कह लें कि बीच की कोई चीज़ नहीं है कि जी अच्छा लोगों ने देखी भी है, लोगों को पता भी इसके बारे में, इतनी बड़ी हिट या तो बहुत हिट होनी है या फिर नहीं होनी है, ऐसा ही है बिल्कुल. तो वो एक्सेस जो है वो आपके पास बड़ा लिमिटेड टाइम का होता है ना अपने फोन के ऊपर. इजीली जो है वो कहीं बैठे हुए भी आप किसी वेटिंग एरिया में भी हैं तो आप अपने फोन के ऊपर इजीली एक्सेस कर सकते हैं. आपको एक बड़ी स्क्रीन की जरूरत नहीं होती है तो लोग इसे देख सकते हैं. शॉर्ट फिल्म के लिए ये एक एडवांटेज रहता है. लेकिन फवाद अगेन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा एक बार फिर कि देखें यहाँ जहाँ हम जिस माशरे में रह रहे हैं स्टारडम जो है वो एक बहुत बड़ी चीज है जी. शॉर्ट फिल्म 11 मिनट की है जी. मैक्सिमम आपके सीन्स जो हैं वो भी लिमिटेड ही रहे होंगे. 11 मिनट में कितने सीन्स करते होंगे? एक सीक्वेंस था मेरा उसमें. हाँ, ऐसे ही जो है वो रहा होगा. हाँ जी. इतने मिनिमम लेवल के ऊपर आपने तो बता दिया कि मोइज के लिए आप इसे एग्री कर रहे हैं लेकिन इसकी सक्सेस रेशियो के बाद हमें पता चला है कि मोइज ने अभी हमें कैमरा के ऑन एयर आने से पहले बताया कि वो इसका सीक्वल भी लेकर आ रहे हैं. बिल्कुल. तो क्या आप अब जो एग्री करेंगे सीक्वल के लिए अगर आपको अप्रोच किया जाए उसका रीजन मोइज है या फ्रूट चार्ट की सक्सेस? जेन्युइनली आपने ये बताया. अब आई थिंक दोनों चीजें. अब तो आई थिंक इट्स दोनों चीज़ें. और दूसरा ये है कि एक चीज़ उसने आपको सीक्वल के बारे में नहीं बताई वो ये है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी शॉर्ट फिल्म, इट्स गोइंग टू बी सीजन. ओह ग्रेट. यस. फॉर हाउ मेनी एपिसोड्स? हम 8 एपिसोड प्लान कर रहे हैं. जबरदस्त. बिल्कुल. और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं. हमारा जो है वो प्री वर्क स्क्रिप्ट के ऊपर कंप्लीट हो गया है. कुछ ड्राफ्ट बेटर होना है वो करने के बाद हम इसकी प्रोडक्शन जो है वो लाइन अप कर रहे हैं अगले कोई इंशाल्लाह 8 महीने में. अच्छा मोइज़ मैं ये पूछना चाहूंगी कि 190 ममालिक में ये आपकी मूवी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे दिखाई गई है लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई देखना चाहे तो कैसे देख सकता है क्योंकि यहाँ पे किस मीडियम पे ये अवेलेबल है? अच्छा आप इसको यूट्यूब पे सबसे आसानी से देख सकते हैं. फ्रूट चार्ट शॉर्ट फिल्म लिखेंगे सबसे आसानी से आ जाएगा. Z5 से अवार्ड मिला हुआ है. Z5 पे ये फीचर भी हो रही है. उनकी स्पेशल कैटेगरी में जो है इसको रखा गया है लेकिन Z5 क्योंकि बैन है तो वो थोड़ा मुश्किल होगा वहाँ तक. सिंपल यूट्यूब से आप देख सकते हैं. हमारा तो यूट्यूब की भरमार, आप इजीली देख सकते हैं यूट्यूब पे. देख सकते हैं. मैं चाहूंगा कि आप मुझे ये भी बताएं कि कौन से चैनल के ऊपर जो है वो हम यूट्यूब पे देख सकते हैं. आपके चैनल पे? हां, आयवेश तंजिला का चैनल है. ठीक है, तंजिला के चैनल पे हम देख सकते हैं. तंजिला ने हमें ज्वाइन करना था. आई गेस ज्वाइन कर लेंगी वो. हाँ. उनसे भी जो है वो बात करते हैं. मुझे ये बताइएगा कि इस सीक्वल को जो कि अब आप सीजन में लेकर आ रहे हैं आप इस शॉर्ट फिल्म को एक्सपेंड करने जा रहे हैं या इसे नेक्स्ट फेज में ले जा रहे हैं? अच्छा, स्टोरी की कनेक्टिविटी हम ये रख रहे हैं कि फवाद भाई ऑफ कोर्स क्योंकि उधर से एक लव कनेक्शन बिल्ड हुआ है हमारे हीरोइन का शबाना का और हीरो का, वहाँ पे इनका एलिमेंट आके चलता रहेगा और शबाना की लाइफ जिस तरह से आगे है वो हम आगे इसको बढ़ा रहे हैं कि किसी भी एक इस तरह के शख्स के साथ कि क्या हो सकता है उसकी लाइफ में, क्या पॉजिटिविटी हो सकती है, क्या नेगेटिविटी हो सकती है जो कि व्हीलचेयर पर है. हमारे मुल्क में बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं कि आप बैंक जाएं तो आप व्हीलचेयर लेके ऊपर नहीं जा पाते. बिल्कुल ऐसा ही है. तो इस तरह के हमने बहुत सारे मसाइल को हाईलाइट किया हुआ है लेकिन वो बहुत कॉमिक वे में बहुत इस तरह से कि सब लोग उससे रिलेट कर सकें. अच्छा बिल्कुल सही बात है. एक चीज़ में ऐड करता चलूँ कि उसमें जहाँ ये शॉर्ट फिल्म एंड होती है उसमें बेसिकली दिखाया हुआ है कि ये लड़के को जाते हुए वो अपनी वालदा का जिक्र करता है कॉन्वर्सेशन के अंदर. मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा लेकिन जाते हुए वो एक चीज़ उसको कहती है कि अपनी अम्मी से कहना कि मैं खाना भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ. सो उसमें जो नेक्स्ट जो सीक्वल होगा उसमें इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये भी दिखाया जाएगा कि एक अगर इफ कोई आपको किसी भी किस्म की आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो आप उसके बावजूद एक जिंदगी नॉर्मल जिंदगी गुजार भी सकते हैं और नॉर्मल जिंदगी गुजारना डिजर्व भी करते हैं. हम उन्हें नॉर्मल रहने ही देते हैं. हमारा माशरा उन्हें नॉर्मल ही रहने देता है. हमारा माशरा जो है वो देखते हैं आए हाय देखो यार बेचारी ये क्या कर रही है. बेचारी इज अ बाय डिफॉल्ट हैशटैग बेचारी फॉर दैट एंड फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हु आर अदरवाइज नॉर्मल जो अपनी जिंदगी एक नॉर्मल तरीके से गुजार रहे हैं इन अ डिफरेंट वे वो भी दे आल्सो डिजर्व to have love and to have companionship in their lives. Definitely. And I must appreciate this topic ki jis tarah se khoobsurti se aapne isko ek hi motivation bhi hai aise logon ke liye ki ji zindagi yahan pe khatam nahi ho jati hai kisi aur ka sochne ke bare mein aap se ghar mein baith nahi sakte right. Moiz mein aap se sawal karna chahungi ki jab ye kahani aap Tanzila ne aapko story sunayi to aapko laga ki foran sunte hi ki aap ek aapka background hi mashallah se bahut zyada itna strong hai directors ki family se to aapko laga ki ye foran click kar jayegi
या कुछ आपने कहा कि नहीं देखते हैं सोचते हैं? मैं मुझे ये करनी थी, ये मुझे पता था, बिकॉज मैं इस कॉज के लिए काम करना चाहता था. मुझे लगता है कि फिल्म मेकिंग, आई मीन मैं जो अभी काम कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन एक दूसरी साइड वो है जिसमें मैं दुनिया को, पाकिस्तान को कुछ देना चाहता हूँ, मैं सोसाइटी को कुछ देना चाहता हूँ. ओके ग्रेट, तंजीला ने जो है वो हमें ज्वाइन कर लिया है, और तंजीला जो है वो हमें ज्वाइन करती है. अस्सलाम वालेकुम तंजीला, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे आ रही है आवाज. सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो आपके इस कॉन्सेप्ट का जो कि आपने खुद लिखा, और इस सक्सेस के लिए आपको हमारी तरफ से, पूरी बोल टीम की तरफ से, दुनिया बोल है की टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो. और मैं आपको यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूंगी तंजीला की, आपकी अपनी स्टोरी है और इतनी खूबसूरती से आपने इसको हाईलाइट किया है एक एक इस तरह के वे में यहाँ पे हमें बेचारी लफ्ज नहीं नजर आता कहीं भी. तो इस पे मैं पूरी टीम की तरफ से आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगी तंजीला, एंड थैंक्स भी कहना चाहूंगी कि आपने इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया. थैंक यू सो मच, एंड आई थिंक मैं ये थैंक्स आगे अपनी टीम को पास करना चाहूंगी जिन्होंने कोई डिसेबिलिटी ना होने के बावजूद इसको इतनी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया. फवाद हमारे साथ हैं, ही प्लेड अ वेरी एसेंशियल रोल. मुइज हु इज द डायरेक्टर, आई थिंक द वे ही कॉन्सेप्चुलाइज्ड एंड एग्जीक्यूटेड, I was surprised के he has so much empathy. So I think we all are very grateful to each other के हमने कितने अच्छे important cause for Roshni. Great. तंजीला, अच्छा मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि being a writer आप ही ने इस movie को, इस concept को लिखा भी है. मैं जानना चाहूँगा कि ये concept आपने इस comic way में क्यों लिखा? क्या आपके साथ कोई ऐसा incident हुआ था जिसे challenge करके जो है वो आप इस phase से बाहर निकली हैं, या आपने ये सोचा कि अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो और लोग इस चीज़ को फील ना करें? कैसे ये concept आपके जहन में कैसे आया था कि इसे comic way में आपने explain करना है? I think मेरे वालिद हमेशा एक बात कहते हैं कि हमेशा किसी भी tragedy में ना comedy ढूंढनी चाहिए. Great. और ये ज़िंदगी का बहुत लाजवाब लेसन रहा है, बिकॉज ट्रेजिडीज की तो भरमार है हमारी दुनिया में, हमारी जिंदगी में कोई भी ट्रेजिडी हो सकती है, लेकिन जो इंसान एक ट्रेजिडी में कॉमेडी ढूंढ लेना, आई थिंक वो जिंदगी जीने का बेहतरीन फॉर्मूला है. एंड मेरी अपनी नेचर कुछ ऐसी है कि आई लाइक टू हैव फन, आई लाइक टू एंजॉय. तो आई थिंक मैं अपनी जिंदगी में अपनी प्रॉब्लम्स को कोई इतना ज़्यादा सर पर नहीं चढ़ाती, आई लाइक टू जस्ट मूव ऑन. तो इस फिल्म को भी हमने ऐसे ही दिखाया कि जिंदगी को इतना आपने सीरियसली नहीं लेना, एंजॉय करना है, सिचुएशन में लाइट रहना है. सही तंजीला, तो किसी प्रोडक्शन हाउस ने आपसे कांटेक्ट किया, कॉल की, आपने इतने अवार्ड जीती है, मूवी इतनी आपकी एक शॉर्ट फिल्म जिसे मैं कहूंगी कि सक्सेसफुल हुई, तो किसी प्रोडक्शन ने पाकिस्तान से आपको किसी ने कॉल वॉल की? गई भाई आपकी राइटर. वेल हमने काफी स्ट्रगल किया है, बहुत सारे टैलेंटेड लोग इस मुल्क में स्ट्रगल करते हैं, और मुझे एक किस्म की खुशी भी है कि हम उनमें से एक हैं, क्योंकि हमें अपना फन मनवाना है और हमें कुछ कुछ भी प्लेट पे रख के नहीं मिला, विच इज़ ग्रेट, बिकॉज दिस इज द वे हाउ वी प्रूव इट टू एवरीवन कि इट्स नॉट ईजी टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. ज़रूरी नहीं है कि अगर हम लोग इस्टेब्लिश बैकग्राउंड से हैं, आई कम फ्रॉम अ गुड इस्टेब्लिश बैकग्राउंड, लेकिन ऐसा नहीं है कि थिंग्स आर अवेलेबल टू मी, आई स्टिल हैव टू स्ट्रगल. तो आपका जो सवाल है उसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है. इनफैक्ट आई थिंक we were never really given any support by any production house in Pakistan as such. क्योंकि उसकी वजह भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि उनको शबाना का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया. उन्होंने कहा कि एक लड़की व्हीलचेयर पर इतनी खुश कैसे है, दिस इज द फीडबैक आई गॉट. वो रो क्यों नहीं रही, अगर उसको मैं बीच सड़क पिटवा दूँ तो फिर आंसू बिकते हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे, आंसू बिकते हैं. हम जब तक रोएंगे नहीं तब तक हमारे पास टीआरपी नहीं आएगी लाइव शोज़ में, मॉर्निंग शोज़ में. जब तक हम कोई दुखड़ा नहीं सुनाएंगे, कोई अफसोस, कोई ऐसी सैडिज्म नहीं फैलाएंगे, तब तक हमें टीआरपी नहीं मिलेगी. इस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो लोगों ने जो है आपको अप्रोच किया होगा कि नहीं भाई आप व्हील चेयर पर हैं तो रोएं. हाँ मतलब आप फन कैसे कर सकते हैं? I also want to clarify कि ऐसा नहीं है कि मैं कभी जिंदगी में रोई नहीं हूँ. I have problems, I have cried, but I think वो जो concept है वो काफ़ी background में है, उसको इतना highlight करने की ज़रूरत नहीं है. ज़िंदगी में अच्छे लम्हे बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको highlight करने की ज़रूरत है, वो reality है. तो I think TRPs के लिए जो ये आंसू बिकते हैं, it's a very false narrative और ये बहुत बड़ा धोखा है. बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया. और इसी कॉन्सेप्ट के साथ आप मूवी को लिखा भी और आगे भी जो है वो आप लिख रही हैं. थैंक यू सो मच तंजीला. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.